हेलो, वेलकम टू माई ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग सपोर्ट और प्यार करते रहिए, मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहेगी। अभी एक्चुअली मेरे भाई का कमेंट आया था कि अपना डीसी के लिए कैसे अप्लाई करें, गैस टैंकर के लिए और केमिकल टैंकर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से बनेगा, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपना जो भी है, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ आप लोग जितना लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जितना करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, एक खुशी मिलती है वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए। और आप लोगों के जरिए जो आपके कांटेक्ट में और भी भाई होंगे सीमेंट या जो नए मर्चेंट में आना चाहते होंगे तो उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए कि वो कहीं गलत दिशा में नहीं जा पाएंगे, उनका पैसा कहीं बर्बाद नहीं होगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बिना देर करे। इसमें आप लोग सबसे पहले अपना मोजिला फायरबॉक्स में जाएंगे, अपनी आप साइट ओपन कर लेंगे, ई गवर्नेंस में जाकर विंडोज पासवर्ड डाल के क्लिक कर अपना पोर्टल ऑन कर लेंगे, अपने आप प्रोफाइल पर आ जाएंगे। उसके बाद अपना डीसी आपको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ और डीसी के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है डेंजरस कार्गो सर्टिफिकेट के लिए। सबसे पहले आप जाएंगे सीओपी में, सीओपी में चेक एलिजिबिलिटी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये आपका चीज़ दिखा रहा है डीसी बेसिक ऑयल एंड केमिकल। अगर आप ऑयल एंड केमिकल का आप डीसी चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करके आप कंटिन्यू कीजिए। मेरा एक्चुअली यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू हो चुका है तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स नहीं मिलेंगी, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ सीओपी में जाकर। आप लोग देखिए ये आप अभी गैस टैंकर का है, आप इस पे डीसी का गैस का डीसी आप देखिए चेक कीजिए क्राइटेरिया। ये मैंने अभी किया नहीं है कोर्स, सेम जैसा आपका ये गैस का है इसी तरह सेम आपका ऑयल केमिकल टैंकर का है, कुछ अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर क्या है, ये जो आपका LGTFC कोर्स नॉट फाउंड इन मास्टर जगह, सेम आप ऑयल केमिकल टैंकर का देखेंगे तो वहां पे LGTFC की जगह आपको ऑक्टो लिखा हुआ आएगा, OCTCO ऑक्टो लिखा हुआ, बाकी चीजें आपकी सारी सेम रहेंगी A to Z, कुछ भी अंतर नहीं है। अब इसमें डीसी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्या क्या आपको वेरीफाई करवाने हैं। सबसे पहले आपको अगर गैस का चाहिए डीसी तो आपको LGTFC कोर्स आपका मास्टर पे आपका होना चाहिए, आपने कोर्स किया हुआ होना चाहिए, आपका कोर्स अपलोड होना चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट अपलोड हो, फोटो आपकी अपलोड होनी चाहिए, सिग्नेचर आपका अपलोड होना चाहिए, आपकी CDC की स्कैन कॉपी होनी चाहिए अपलोड, और CDC इज वैलिड, CDC आपका वैलिड होना चाहिए, इट इज द वेरी मैंडेटरी। जैसे कि आपका ये सारी चीजें आपकी अपलोड हो जाती हैं, जो देखिए आप इसमें अभी क्या है कि आपका ये सारी चीजें ब्लैक हैं, जो चीज ब्लैक हैं तो ये मेरी ऑलरेडी सारी चीज़ें अपलोडेड हैं, कर रखी हैं मैंने, सिर्फ कोर्स मेरा अपलोड नहीं है क्योंकि कोर्स मैंने अभी करा नहीं है, कोर्स अभी क्या एक्चुअली कुछ ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने अभी करा नहीं, करूंगा मैं बाद में। जैसे ही मैं कोर्स कर लूंगा किसी भी कॉलेज से तो कोर्स करने के बाद में जैसे ही मेरा वहां से सर्टिफिकेट इशू होगा कॉलेज से, इशू होते ही वो लोग क्या करेंगे मेरी प्रोफाइल पर अपलोड कर देंगे। जैसे ही वो अपलोड करेंगे तो जो ये रेड है अभी, तो ये रेड से ये ब्लैक ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और ब्लैक ऑटोमेटिकली होते ही जैसा आपने यहाँ पे देखा था अभी ये ऑयल केमिकल टैंकर में, ये ऑयल केमिकल टैंकर में 48 घंटे के अंदर ये सारी चीजें वहां से जैसे आपने देखी थी गैस टैंकर में वो सारी चीजें आपकी हट जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ लिख जाएगा सर्टिफिकेट इशूड, ये आपका डीसी आपका इशू हमने कर दिया है। अब ये डॉक्यूमेंट जो आपके हैं क्राइटेरिया जो है ये आपका अपलोड होगा कैसे, कहाँ से होगा, कैसे करेंगे, इसके लिए भी आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप डॉक्यूमेंट पे जाइए, आप ये देखिए क्या क्या आपको मांगा यहाँ पे, पासपोर्ट, फोटो, सिग्नेचर, CDC, आप यहाँ पे जाइए डॉक्यूमेंट्स पे, एक मिनट में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हाँ डॉक्यूमेंट पे जाइए, डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद में आप देखिए यहाँ पे नीचे अपलोड अपलोड डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, अपलोड डॉक्यूमेंट आप क्लिक कीजिए। आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे सिलेक्ट करने का, और ब्राउजर का ऑप्शन आएगा अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का और सबमिट करने का। तो जैसे आप यहाँ पे इस पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में हमें क्या क्या चाहिए था वहाँ पे मांगा था, जो हमसे मांगा था एक हमारी ये फोटो हो गई,
जो हमारी फोटो अपलोड होती है ये हमारा सिग्नेचर हो गया, ये अपलोड होना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या मांगा था, पासपोर्ट, पासपोर्ट हो गया, CDC का हो गया, ठीक है, और CDC आपकी वैलिड ऑलरेडी वहाँ पे वो चेक आपके रिकॉर्ड में कम प्रोफाइल पे है कि वो कब तक के लिए वैलिड है। तो ये चीज़ें आपकी अपलोड आपको करनी है यहाँ से। यहाँ पे आपका ऑप्शन मिलेगा, आप जब इस साइट को ओपन करेंगे अपना, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर रखी है इसलिए मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप लोग जब अपना चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, एक ब्राउजर का ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने के लिए, एक आपका सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो अपने आप सीजस इसमें क्लिक कीजिए, वहाँ पे जो भी चीज़ें मांग रहा है आपका उस पर आप क्लिक कीजिए, क्लिक करके आप वो चीज़ वहाँ पे अपलोड कीजिए, अपलोड करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे तो वो चीज़ आपकी फोटो का और सिग्नेचर के नीचे आपकी यहाँ पे इस तरह मेंशन शो करनी शो करेगी इस तरह से। तो आप ये सारी चीज़ क्राइटेरिया कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद में आप 24 घंटे के बाद आप दोबारा पे आप इसको ओपन करके अपना चेक कीजिए कि आपने ये जो चीज़ें हैं आपने जो अपलोड करी हैं वो आपकी रेड से ब्लैक हुई या नहीं हुई, आपको पता लग जाएगा। जैसे ही ये चीज़ें आपकी ब्लैक हो जाएंगी आप समझ लीजिए कि आपकी चीज़ें अपलोड हो गई हैं, वेरीफाई हो चुकी हैं। अब आपका 48 घंटे के अंदर आपका जो DC है वो आपका अपलोड हो जाएगा, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सारी चीज़ें आपकी ब्लैक हो जाती हैं सिर्फ आपको 2 दिन वेट करना है। तीसरे दिन आप अपनी प्रोफाइल को ओपन कीजिए, प्रोफाइल को ओपन करके आप यहाँ पे COP में जाकर अपना एलिजिबिलिटी आप क्राइटेरिया चेक कीजिए, चेक करके अपना सबमिट कीजिए। देखिए वहाँ पे कि आपको वहाँ पे सिर्फ सिंपल दिखाई देगा, जैसे ही आप ये क्लिक करें सब आपका जैसे इशू हो जाएगा तो आपको सिर्फ सिंपल एक चीज़ दिखाई देगी, सर्टिफिकेट इशूड। और अब आप एक चीज़ आपके माइंड में होगी कि आप सर्टिफिकेट इशू हो गया है तो अब मैं सर्टिफिकेट देखूँ कहाँ से, कैसे मैं देखूँगा। तो आप मेरी एक प्रीवियस वीडियो है आप चेक कीजिएगा, मास्टर डीजी शिपिंग की प्रोफाइल पे, डीजी शिपिंग की प्रोफाइल में हाउ टू चेक आवर वॉच कीपिंग, कि अपना वॉच कीपिंग कैसे चेक, वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट कैसे देखें। उस वीडियो में मैंने वहां पे दिखाया है कि आप लोग अपना DC सर्टिफिकेट, वॉच कीपिंग और मॉड्यूलर STCW कोर्स और CDC पासपोर्ट इंडोज हम लोग अपना कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने उसमें प्रॉपर आपको वीडियो में बताया है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें आपको वो चीज़ की नॉलेज मिल जाएगी कि ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इजिली। कहीं किसी को एजेंट को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग मेरी वीडियो देखिए, आप लोगों को प्रॉपर A to Z जानकारी मिलती रहेगी। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी अगर आपको लगता है, तो आप लोग मुझे अपना कमेंट में अपना इंडोज नंबर और पासवर्ड मुझे भेज सकते हैं। आपको उस इंडोज नंबर पासवर्ड के साथ में आपको जो चीज़ अपने प्रोफाइल से निकलवानी है, कुछ भी देखना है, तो आप मुझे अपना इंडोज नंबर पासवर्ड भेजिए। मैं आपका इंडोज नंबर पासवर्ड आपका चालू करके आपको मैं दिखा दूंगा कि आपकी ये चीज़ यहाँ पर अपलोड है, आपको खुद दिखा दूंगा मैं आपकी प्रोफाइल ओपन करके। और उसके अलावा अगर आपको कुछ भी और चीज़ की जानकारी लेनी हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को उसकी चीज़ की जानकारी मैं प्रॉपर दूंगा, यही मेरा मोटिव है। प्लीज़ आप लोग इसी तरह लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।